नमस्कार, मैं हूं सुखदेव सिंह। आईवीयू न्यूज बुलेटिन के इस अंक में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले डालते हैं प्रमुख खबरों पर एक नजर। हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 21 दिसंबर को शहर के उद्यमियों से मिलेंगे। परिसदन में अज्ञात युवक जबरन कमरे में घुसे, कर्मचारी की पिटाई की। देश की सुरक्षा नीति में सुधार की आवश्यकता, कहा पत्रकार बैजनाथ मिश्र ने। और 20 दिसंबर को घुड़दौड़ प्रतियोगिता जमशेदपुर में, राष्ट्रपति के अंगरक्षक घुड़सवार होंगे आकर्षण का मुख्य केंद्र। साथ ही अन्य समाचार। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला झारखंड के उद्यमियों से मिलने के लिए 21 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर आएंगे। मुख्यमंत्री चौटाला के आगमन की तैयारी में लगे हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के जनरल मैनेजर अश्विनी शर्मा, एस नारंग, डीजीएम और सहायक महाप्रबंधक जगदीश राय इन दिनों जमशेदपुर में कैंप किए हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री चौटाला के आगमन के बारे में जीएम अश्विनी शर्मा ने आईवीयू को बताया कि मुख्यमंत्री जमशेदपुर में निवेशकों एवं उद्यमियों से मिलेंगे और हरियाणा सरकार के इंडस्ट्रियल पॉलिसी एवं आधारभूत संरचना के बारे में बताएंगे। महाप्रबंधक ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है हरियाणा में हो रहे औद्योगिक विकास के बारे में निवेशकों को बताना और आकर्षित करना, ताकि यहां के उद्यमियों को एक राष्ट्रीय पहचान मिल सके, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक से बताया जाएगा। महाप्रबंधक श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जमशेदपुर से पूर्व 19 दिसंबर को रांची और 20 दिसंबर को बोकारो के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी संबोधित करेंगे। इस बिजनेस मीट को आयोजन करने का उद्देश्य यह है कि हम अपने हरियाणा प्रदेश में हो रही औद्योगिक विकास की प्रगति को इन्वेस्टर्स तक पहुंचाना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि हमने अपने राज्य में इंडस्ट्रियलिस्टों की सुविधा के लिए कौन कौन से इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलप किए हैं और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी उन्नति के लिए क्या मूलभूत सुविधाएं राज्य सरकार प्रदान करती है। आप लोग जमशेदपुर सारे क्यों चुने? इसका जो जमशेदपुर, क्योंकि एक बहुत प्रमुख व्यावसायिक एवं औद्योगिक केंद्र है और यहाँ पे हमें काफ़ी संख्या में उद्यमियों से इंटरेक्ट करने का अवसर मिलेगा और उनका जो बहुत समय का अनुभव है उसका हम लाभ उठा सकेंगे। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक ने बताया कि 21 तारीख को आयोजित होने वाले इस सेमिनार में भाग लेने के लिए यहां के सभी औद्योगिक घराने के साथ साथ सभी औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है। CII सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, सिंहभूम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मिलकर इस सेमिनार में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। स्थानीय बेल्डी क्लब में आयोजित होने वाले इस उद्यमी मिलन समारोह के बारे में कहा कि जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है, इसलिए यहां उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्री शर्मा और एस नारंग ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ शहरी विकास मंत्री सुभाष गोयल, सूचना एवं तकनीक के सचिव हरबख्श सिंह और हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन निरंजन लाल बंसल भी इस सेमिनार में भाग लेंगे। इस वार्ता के समय परिसदन में डिप्टी जनरल मैनेजर सलीम नारंग और सहायक महाप्रबंधक जगदीश राय भी उपस्थित थे। परिसदन में सोमवार की रात कुछ अज्ञात युवकों ने कमरा नंबर 4 का ताला तोड़ा और रात भर उस कमरे में मनमाने ढंग से आराम फरमाया। परिसदन के स्टाफ ने उन्हें जब कमरे की चाबी देने से इनकार किया
तब अज्ञात युवकों ने ताला तोड़ा और कर्मचारी कैलाश की पिटाई भी कर दी। सदन में सोमवार की रात कुछ अज्ञात युवकों ने कमरा नंबर 4 का ताला तोड़ा और रात भर उस कमरे में मनमाने ढंग से आराम फरमाया। इस संबंध में कर्मचारी कैलाश का कहना है कि उसने पुलिस को भी उसी रात सूचना दी थी, लेकिन रात में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। हरियाणा का कोई आदमी के लिए रूम रखा गया और आगे निकल गया है, बोलो आने वाला, तो ये रूम हम कैसे खोले, उसमें ताला बंद था, बोलो खोलो बाहर का, तुम देखा हम लोग रूम नहीं खुलेगा, तो उसका दोनों अपना तोड़ तोड़ किया। कितना आदमी था? साधारण आदमी, कम से कम 10 आदमी ना, साधारण आदमी थे। कुछ सामान वगैरह भी रखा हुआ था क्या? अंदर में तो हम नहीं देखे सर, अब अंदर में बोलता हमको फिर उसका मारना चालू किया, बोलता लगे सर गोली भी चलो मार देंगे। हाँ, उन्हें फिर कितना बजे गया सो करके? सुबह भोर भोर 5 बजे निकल गया। और उसका पहले मैंने पुलिस में आप सूचना दी? पुलिस तो रात को आई थी सर। रात को आई थी? हाँ। तो वो लोग रात में जब आई तो उस समय जा चुका था क्या ये लोग? नहीं थे, रूम में थे लोग। रूम में थे? रूम तोड़ तोड़ के रूम घुस गया लोग। तो पुलिस को मालूम था कि वो 4 नंबर में सोया हुआ उन लोग, फिर भी मैंने पुलिस कुछ नहीं करवाई की? नहीं। उन लोग को आप बताया कि वो 4 नंबर में सोया हुआ? कर्मचारी कैलाश ने आईवीयू को बताया कि पुलिस उस रात परिसदन पहुंची, लेकिन कमरे में अवैध रूप से घुसे युवकों को नहीं पकड़ा। भोर होते ही युवकों का दल वहां से उठकर आराम से चलता बना। बहरहाल परिसदन जैसे महत्वपूर्ण स्थल जहां मुख्यमंत्री से लेकर सभी वीआईपी आकर ठहरते हैं, सुरक्षा इंतजाम की यह हालत देखकर तथा सुनकर लोग अचंभित हैं, क्योंकि परिसदन जिले के उपायुक्त एवं एसपी आवास से सटा हुआ है। परिसदन में घटित इस घटना को काफी रहस्यमय माना जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बुधवार को स्थानीय कोऑपरेटिव कॉलेज में राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रांची प्रभात खबर के संपादक बैजनाथ मिश्र एवं मुख्य वक्ता के रूप में परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बुधवार को स्थानीय कोऑपरेटिव कॉलेज में राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि बैजनाथ मिश्र ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश के भीतर क्षेत्रवाद एवं नस्लवाद समेत भाषाओं का दुष्प्रचार हावी हो रहा है, जिसका परिणाम है कि पिछले माह आसाम में हिंदी भाषियों का आसाम के लोगों ने नरसंहार किया। श्री मिश्र ने कहा कि देश के किसी भी कोने में रहने वाले लोग देश के नागरिक हैं और वे नौकरी या किसी धंधे के लिए पूरे भारत में कहीं भी अधिकार रखते हैं, फिर भी राजनीतिक कारण या किसी अन्य कारणों का लोग शिकार हो रहे हैं। इससे झारखंड भी अछूता नहीं रहा है। डोमिसाइल के मुद्दे पर गत 29 जुलाई 2002 को पूरे राज्य में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच रांची समेत अन्य जगहों पर खून खराबे हुए। उस दिन सभी लोग, स्वयं वे भी, अपने घरों में कैद रहने को विवश हो गए थे। बैजनाथ मिश्र ने संगोष्ठी में पाकिस्तान के गठन से लेकर एकीकृत भारत वर्ष के सुरक्षा नीतियों पर छात्रों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। और झारखंड में भी आपने देखा होगा कि 24 जुलाई को जो घटना घटी खासतौर से राजधानी रांची में, उसमें लोगों का घर से निकलना मुश्किल था। मैंने बहुत आंदोलन देखे, बहुत हिंसात्मक आंदोलन हमने देखा। पत्रकारिता की जिंदगी में मैंने कभी भी ऐसा कभी एक अवसर नहीं आया कि मैं अपने घर में कैद रह गया हूं और मैं नहीं निकल पाया हूं। तो कौन सा देश बनाएंगे हम? किस देश की रक्षा के लिए आप आह्वान करेंगे? तो सबसे पहले तो ये हमारे जो निजी स्वार्थों के लिए, चंद स्वार्थों के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, राजनीतिक टुकड़ों के लिए जो देश को बांट रहे हैं अंदर से, पहले उनको ठीक करने की आवश्यकता है। क्योंकि वो समझ जाए कि भाई देश एक है, यह जो विभाजन हुआ है वो शासन की दृष्टि से हुआ है, व्यवस्था की दृष्टि से हुआ है। इस देश का कोई भी नागरिक कहीं भी जाकर के जीवन यापन कर सकता है, नौकरी कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, पढ़ा सकता है।
और ये व्यवस्था होने के बाद अगर यह स्थिति बनती है तब हम एक साथ दबाव डाल सकते हैं। जो गोस्वामी जी ने कहा कि 370 धारा की समाप्ति होनी चाहिए, बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूँ, 370 धारा की समाप्ति होनी चाहिए। इस गोष्ठी को मुख्य वक्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर सैकड़ों छात्र उपस्थित थे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए आईवीयू न्यूज। सुभाष पब्लिक स्कूल को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई दिल्ली अप टू 10+2 लेवल। वी बिलीव इन प्ले वे मेथड फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 2 इयर्स टू 5 इयर्स ओल्ड एंड स्पेशल केयर फॉर स्लो लर्नर्स। वी आर एट पोखारी, द ओनली वन एफिलिएटेड रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल इन जमशेदपुर विद ग्रीन हिलिंग सराउंडिंग्स विच प्रोवाइड separate facilities for girls and boys as library, computer lab, television, video movies, playground, etc. For non-residential, we are at Baridi, Chota Govindpur and newly opened unit at Yamuna Dubey Complex, Sheetla Chowk, Parsodi, Jamshedpur. Limited forms are available for contact on phone NSPS Baridi 2210167, NSPS Pokhari 3090233, 2700476, 98351302265, NSPS Chota Govind 2277368, NSPS Parsudi 3090234. पसंद सुंदर टिकाऊ एवं नए नए डिजाइनों के सूट का विशाल भंडार गुरमीत क्लॉथ स्टोर शिव मंदिर लाइन सांची में। आप चाहे तो अपनी मनपसंद डिजाइनों के सूट की सिलाई भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ सिलाई एवं खरीदारी में बाजार से 10% कम कीमत पर सूट, लाछा, लहंगा, सलवार सूट के नए स्टॉक नए डिजाइनों में उपलब्ध हैं, जिनमें आप अनुभवी कारीगरों द्वारा कढ़ाई भी करवा सकते हैं। एक खास बात, गुरमीत क्लॉथ स्टोर में पाइए माता की चुन्निया, गुरु ग्रंथ साहिब की रुमाले, अमृतसर की नबिया वायल की मशहूर पगड़िया। शादी विवाह, पर्व त्योहारों और सभी शुभ अवसरों पर खरीदारी के लिए बस एक ही नाम, गुरमीत क्लॉथ स्टोर सिमंदिर लाइन साक्षी। पूर्ण विश्वास, यही है हमारी पहचान। अशोका टावर लेकर आए हैं आपके लिए। Construction will be with first class bricks and RCC framed structure. External plastered surface shall be painted with waterproof cement paint and internal finishing will be plaster of Paris. Door finished with enamel paint, aluminium anodized fittings to all doors. Lift facilities, 24 hours electric supply, standby generator and 24 hours water supply. Size of flats, 700 square feet to 1250 square feet. Locations, 1 km from Sakshi Bazaar, 500 yards from Mango Bridge, 1000 yards from Workers College and 2.5 km from Dimna Chowk NS33. Finance available from HDFC, IDBI and ICICI Bank. Construction and booking started, so jald se jald sampark kare. AK Enterprises, Khon Purulia Road, Kuar Basti, Ward number 8, Mango, Jamshedpur. Phone number 236-2266. Sarvesham
प्रकृति की हर एक रचना में छुपा है हमारे जीवन ऊर्जा का संपूर्ण ज्ञान, क्योंकि तुझसे ही मिला है हमारे स्वस्थ व निरोग काया को आयुर्वेद का वरदान। इस महान चिकित्सा पद्धति को अपनाकर जी जिसमें बेहद कामयाब तकनीक वो है जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। कई महीने घर से आए शक्ति का एहसास जगाए जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, होटल अंबर के बगल में, साक्षी जमशेदपुर। आईवीयू की खबरों में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हॉर्स राइडिंग स्कूल के तत्वावधान में 20 दिसंबर से जमशेदपुर में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी टाटा स्टील ऑफिसर्स बीच क्लब के चेयरमैन सह आयोजन समिति के सचिव उदय कुमार श्रीवास्तव ने पत्रकारों को दी। हॉर्स राइडिंग स्कूल के तत्वावधान में 20 दिसंबर से जमशेदपुर में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के बारे में ज्वाइंट सेक्रेटरी गोविंद माधव शरण ने बताया कि इस प्रतियोगिता में टाटा स्टील स्पॉन्सर है जिसने 2,00,000 रुपए दिए हैं। इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता में मुख्य आकर्षण का केंद्र महामहिम राष्ट्रपति के अंग रक्षक घुड़सवार भानु प्रताप सिंह होंगे, जबकि देश के लगभग 5 से अधिक टीमों को शामिल किया जाएगा, जिसमें BSF, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ASC नॉर्थ और RVC ने आने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। जमशेदपुर फर्स्ट वाज अ ग्रैंड सक्सेस एंड ड्यू टू द रिस्पांस ऑफ द पीपल वी वांट टू क्रिएट दैट इंटरेस्ट अमंग द चिल्ड्रन ओवर हियर, क्रिएट नॉलेज अबाउट हॉर्सेस एंड द पैशन फॉर राइडिंग एंड वी सॉ दैट आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द लास्ट इवेंट देयर इज अ ग्रेट रिस्पांस, अ लॉट ऑफ किड्स हैव जॉइंड द राइडिंग स्कूल। This is jointly being organized by Tata Steel Officers Beach Club and Jharkhand Equestrian Federation of Mr. R.R. Prasad is the DGP Police is the investing. We have a great support from Tata Steel, especially our present MD, Mr. Muthu Raman is taking keen interest in promoting this type of sports. And our all efforts are being spearheaded by Mr. A.N. Singh, who is the working chairman and the organizing committee. UK Shrivastav ne kaha ki ghurdaud pratiyogita ka udghatan 20 दिसंबर को मेजर जनरल बीजे गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक वी मुथुरमण भाग लेंगे जो खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ASC नॉर्थ एंड RVC एंड टॉलीगंज क्लब कलकत्ता, दे हैव ऑलरेडी कंफर्मड एंड वी एक्सपेक्ट 2-3 मोर टीम्स आल्सो टू जॉइन अस। इन जमशेदपुर व्हाट इज आवर रिस्पांस, कैसा है टुवर्ड्स हॉर्स राइडिंग? इट इज एक्सीलेंट, I must say that it is far better than last year when we have completed the tournament. After that, about 50 children have already come and enrolled at our riding school. And as Mr. Sharon had said earlier to you, our whole objective is to popularize this horse riding game amongst the children. Shri Sharon aur Shri Shrivastav ne kaha ki 14 December ko horse riding school mein म्यूजिकल कार्यक्रम से संबंधित बच्चों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत म्यूजिकल चेयर लड़के एवं लड़कियों के लिए आयोजित की गई। इस वार्ता के दौरान कर्नल भीमसेन समेत अन्य उपस्थित थे। संस्कार भारती द्वारा आगामी 9 जनवरी से 11 जनवरी तक भूमि अलंकरण सह रंगोली कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी संस्कार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अमीर चंद ने तुलसी भवन में संवाददाताओं को दी। संस्कार भारती द्वारा आगामी 9 जनवरी से 11 जनवरी तक भूमि अलंकरण सह रंगोली कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संगठन मंत्री अमीर चंद ने कहा कि संस्कार भारती द्वारा आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने के लिए लगातार कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। संस्था द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नाटक में एक आदर्श झलकता है। अमीर चंद ने कहा कि भारत की कला प्राचीन काल से ही विश्व प्रसिद्ध रही है। आगामी वर्ष में संस्कार भारती की ओर से 5 नाटकों का मंचन किया जाएगा,
इसमें बंगला, असमिया, हिंदी समेत अन्य भाषाओं से जुड़े नाटकों का मंचन होगा। इस नाटक मंच का आकर्षण का केंद्र बंगला की दो विशेष प्रस्तुतियां होंगी। तो संस्कार भारती साहित्य, संगीत, नाटक, चित्रकला, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम एवं लोक संगीत, लोक नृत्य, इन सभी विधाओं के माध्यम से कार्य करती है। इस पत्रकार वार्ता के दौरान मंजू ठाकुर, अशोक तिवारी, विनीता शाह समेत अन्य उपस्थित थे। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए आईवीओ न्यूज। आइए हमारी संस्था में, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्यूटर के जरिए बिजनेस एवं प्रोफेशनल अकाउंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ आपको कॉमर्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल एक्साइज कंपनी लॉ, एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लाइज ऑडिट इंश्योरेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे संस्था के पास न केवल अच्छी प्रयोगशाला है बल्कि अत्याधुनिक सूचना तकनीक से सुसज्जित लीगल लाइब्रेरी भी है। हमारा पता ICC इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड कंसल्टेंट, रजिस्टर्ड ऑफिस 207, सेकंड फ्लोर, अवतार बिल्डिंग, बिस्टुपुर, जैसर 1, फोन नंबर 2436405। We make you expert accountant in computer with sound knowledge in direct and indirect taxes. बेटी की शादी है, आप सभी को आना है और खाना खाकर जाना है। क्यों भाभी जी, फिर वही खाना? देखिए जी, सिर्फ मेरा आना तो ठीक है लेकिन खाना जी चिंता नहीं कीजिए, ऑर्डर दिया हूँ लक्की कैटरर को। क्या लक्की कैटरर? तब तो हम सब जरूर खाएंगे। क्या स्वाद है, लाजवाब है, खुशबू जो दिल को तो भर नहीं सकता, यही स्वाद है। जम कर खाओ, खुशियाँ मनाओ, याद रहे ये पल, इन हाथों के प्यार में है दुनिया ये पागल। और ये दिल मांगे और, ये है लकी रोल। हाँ जी, यही है लकी कैटरर। पिकनिक हो या बर्थडे पार्टी या फिर गेट टुगेदर, स्वाद की हम महफिल सजा दे, मिल जाए जो आपका ऑर्डर। लकी एग्रो, लकी कैटरर, द हॉटेस्ट ऑफ सिटी। विशेषज्ञ डॉक्टर एम राजा, हड्डी का बढ़ना, टूटना, खिसकना, हड्डी का सेट ना होना, नसों की सूजन, नसों की कमजोरी, नस का चढ़ना तथा काम न करना, लकवा, साइनस आदि रोगों का कंप्यूटराइज मशीन से इलाज कराएं और इनके जैसा जीवन बिताएं। गर्दन में दर्द था, लगभग एक महीना हुआ, अब आराम है। छह महीने से मेरे इस हाथ में बहुत ज्यादा दर्द था, अभी 15 दिन से बहुत ही फायदा है। पसार 2 महीने से पैरालिसिस हुआ था, 2 महीने के इलाज से मेरा बहुत ही फायदा। डॉक्टर एम राजा, 59 पिनार रोड, सांची, जमशेदपुर, फोन 2222174 एंड P118 स्वर्ण विहार सुनारी, फोन 2222174। ईश्वर न करे आपको हमारी आवश्यकता पड़े, लेकिन कभी कभी जब आप अस्वस्थ हो जाते हैं तो अच्छे चिकित्सक और चिकित्सालय की आवश्यकता पड़ी जाती है। जी हाँ, तो एकमात्र स्वच्छ और स्वस्थ चिकित्सालय आपके अपने ही शहर में, सिद्धेश स्वास्थ्य सेवा शल्य प्राइवेट लिमिटेड, आकाशवाणी भवन के सामने, वैदेही भवन, आदित्यपुर। इसकी कार्य प्रणाली आपकी सुविधा अनुसार, औषधि, शल्यक्रिया, जायांगिकी एवं प्रसूति, अस्थि, कान, आँख इत्यादि के लिए आधी रात को भी आपात सेवा उपलब्ध है। यहाँ चिकित्सक, परिचारिकाओं, अन्य निर्धन एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हमारा मानना है कि चिकित्सा चिकित्सक करता है न कि चिकित्सालय, ईश्वर रोग मुक्त करता है न कि पैसा। झारखंड का पहला चिकित्सालय जहां भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य नीति के तहत ही कार्य होता है। अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है, जैसे मेजर या माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल वार्ड, कैबिन, AC और नॉन AC, OPD, एम्बुलेंस फैसिलिटी, मेडिसिन और 24 घंटे अनुभवी डॉक्टरों की सुविधा।
में गर्मी का एहसास दिलाए जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एम्पोरियम, जहां आपके लिए कश्मीरी शॉल्स, पश्मीना शॉल्स, वुलन सूट्स, कॉटन सूट्स, फेदर जैकेट्स, लेडी स्वेटर्स, जेंट्स स्वेटर्स, ब्लैंकेट, चाइल्ड ब्लैंकेट, लेडीज गाउन, जेंट्स गाउन, लेडीज कश्मीरी केटी, जींस जैकेट, ट्रैक सूट्स, फर कोट्स, मफलर्स, विंडचीटर, फर कैप मिलते हैं। हैवी डिस्काउंट 20-30% जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एम्पोरियम, शॉप नंबर 1, काली माटी रोड, बसंत चौकीस, साक्ची। मोबाइल 9835190903। नो हॉलीडे टाइमिंग 8 AM to 10 PM। एंड इलेक्ट्रिकल्स फोन 305-943। कॉन्टैक्ट फॉर रिपेयर्स ऑफ कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम, टेलीफोन, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन, कूलर, गीजर, फैन एंड जनरेटर सेट एटसेट्रा। Electrician available for electrical maintenance works. Also contact for computer systems peripherals. Door service available for color TV, cooler and generator only. Please contact Pammi Electronics and Electricals, D by 233 A Block, Main Road, near Aerodrome Market, Sonari, Jamshedpur 11. Phone 305-943-301-827. आईवीओ की खबरों में फिर से आपका स्वागत है। ग्रामीण चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने वाले ग्रामीण डॉक्टरों ने बुधवार को आदित्यपुर जयप्रकाश उद्यान में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। चिकित्सकों द्वारा गोष्ठी के माध्यम से ग्रामीण चिकित्सा मंच के डॉक्टरों ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े चिकित्सकों को लगातार नजरअंदाज कर रही है, जिसके कारण ग्रामीण चिकित्सकों को अब तक वह पहचान नहीं मिल पाई है। करके सरकार को समझा देंगे। वास्तव में झारखंड राज्य में चिकित्सा पद्धति 60% ग्रामीण चिकित्सकों का योगदान होता है। हमने प्रूफ करके दिखा देंगे कि चिकित्सा टाउन तक आते आते ग्रामीणों का और रोगियों का हालत पंचर हो जाता है। उस समय हम लोग मरते दम तक गांव में हमें चिकित्सा सेवा देते रह रहे हैं। अगर सरकार इतनी कड़ी चुनौती अगर ग्रामीण डॉक्टर करते हैं तो कौन सा बुरा करता है। हर समय दिन रात सेवा में लगा हुआ रहता है, फिर भी सरकार आज तक नजरअंदाज करके बैठी हुई है। मंच के डॉक्टरों ने कहा कि सरकार की उपेक्षा किए जाने के बाद भी ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा ग्रामीणों के बीच चिकित्सा पहुंचाई जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 21 दिसंबर को शहर के उद्यमियों से मिलेंगे। परिसदन में अज्ञात युवक जबरन घुसे और कर्मचारी की पिटाई की। देश की सुरक्षा नीति में सुधार की आवश्यकता, कहा पत्रकार वैद्यनाथ मिश्र ने। 20 दिसंबर को घुड़दौड़ प्रतियोगिता जमशेदपुर में। राष्ट्रपति के अंगरक्षक घुड़सवार होंगे आकर्षण का मुख्य केंद्र। इसके साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। कल कुछ नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आईवीओ टीम की ओर से नमस्कार।